नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल योगा अरोरा। मेरा नाम है रश्मि और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे आसनास शेयर करूंगी जिसको प्रैक्टिस करने से आपको आराम मिलेगा ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम में। तो ब्लोटिंग क्यों होती है, उसके क्या रीजंस हैं और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ब्लोटिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पेट में ज्यादा गैस एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों को पेट में दर्द होता है, हमारे पेट के आसपास और पेट में हम लोगों को सूजन होती है। सूजन होते ही दर्द होता है, हमारा पेट फूल जाता है। इस कंडीशन को हम लोग ब्लोटिंग कहते हैं। और ये क्यों होती है, अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा स्पीड में खाना खाते हैं, खाना हम लोगों को बहुत स्लोली चबा चबा के खाना चाहिए, लेकिन अगर हम उसको बहुत जल्दी खाते हैं तो हमारी डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारे पेट में गैस बन जाती है। दूसरा, अगर आप लोग बहुत एक्सेस में फास्ट फूड खाते हैं, बहुत फ्राइड फूड खाते हैं, इसकी वजह से भी ब्लोटिंग हो सकती है। और अगर आप लोग हेल्दी खाना खाते हैं, आप लोग हाई फाइबर खाना खाते हैं, वो भी अगर एक्सेस में हो जाए तो उसकी वजह से भी ब्लोटिंग होती है। इसलिए खाना हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, बहुत ज्यादा हेल्दी खाना भी नहीं खाना है और बहुत ज्यादा जंक भी नहीं खाना है। खाने को हमेशा बैलेंस करके रखिए और बहुत आराम आराम से उसको च्यू करके खाइए, चबा के खाइए, जिससे आप लोगों को गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस वीडियो में हम लोग जो आसनास की प्रैक्टिस करेंगे, डेली आसनास को प्रैक्टिस करने से अगर पेट में कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो वो बैलेंस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन आसनास की प्रैक्टिस आपको खाली पेट करनी है। पहले हम लोग करेंगे मलासना। मलासना के लिए क्या पोजीशन होगी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मलासना के लिए हम लोग अपने पैरों के बल बैठेंगे और अपने पैरों को हम लोग बाहर की तरफ खोलेंगे। इस तरह से नोटिस कीजिए, मेरे जो दोनों पैर हैं वो बाहर की तरफ को खुले हैं। इस तरह से पैरों को खोलेंगे, अपनी कमर को हम लोग एकदम सीधा रखेंगे, क्योंकि हमारे पैर खुल रहे हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली आगे आ जाती है। तो हमको ध्यान रखना है कि हमारी कमर एकदम सीधी हो। और उसके बाद अपने नीज के बीच में, अपने घुटनों के बीच में अपने दोनों हाथों को फंसाएंगे इस तरह से और आगे जोड़ेंगे। इस पोजीशन में हम लोग बैठेंगे। इस पोजीशन को हम लोग मेंटेन करेंगे 4 to 5 seconds के लिए। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल एक्सहेल। अगर ये आप लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो बिगिनिंग में आप लोग कुछ ब्लॉक यूज कर सकते हैं इस तरह से बैठने के लिए। ब्लॉक या कोई भी ऐसी मोटी चीज आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिसके सपोर्ट से आप लोग बैठ सकते हैं इस तरह से। अगेन ध्यान रखेंगे कमर एकदम सीधी रखेंगे। यहाँ पे हम लोग मेंटेन करेंगे 4 to 5 seconds एंड रिलैक्स। वापस हम लोग ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कैट एंड काउ पोज। उसके लिए आप लोग अपने घुटनों पे आ जाएंगे, इस तरह से घुटनों पे आ जाएंगे, हाथ आगे। तो इस पोजीशन में आप लोगों को जिन बातों का ध्यान देना है वो ये है कि आपका जो हैंड्स का पोजीशन है वो आप लोग कैसे देखेंगे कि आपका शोल्डर, एल्बोज और आपके आर्म्स, पाम, ये जो है वो एक ही लाइन में होनी चाहिए। इस तरह से आगे की तरफ या पीछे की तरफ को नहीं रखेंगे, एक लाइन में रखना है हाथों को। और पैरों के लिए भी अपने टोस को हम लोग आराम से ग्राउंड पे टच कर देंगे। तो ये होता है टेबल टॉप पोजीशन। इस पोजीशन में आएंगे, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। नेक्स्ट हम लोग सांस भरते हुए अपनी कमर को नीचे की तरफ को लेके जाएंगे और अपने सर को ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए सर को अंदर की तरफ, कमर को रोल करेंगे, इनहेल, गो अप। एक्सहेल, गो डाउन। विल रिपीट इट 3 more times, इनहेल, गो अप। इस प्रैक्टिस को स्लोली करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। इनहेल, गो अप, फील द स्ट्रेच इन योर बैक। एक्सहेल, गो डाउन, रोल योर स्पाइन। इनहेल, एक्सपैंड योर शोल्डर्स।
Exhale, bring your shoulders towards your ear and relax. Next हम लोग करेंगे बालासन, उससे हम लोग इसी पोजीशन में अपने पैरों पे बैठ जाएंगे. तो इस पोजीशन में बैठ जाएंगे, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ को बेंड करेंगे इस तरह से. हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोगों को ऊपर नहीं उठना है, अपने पैरों पे बैठे रहना है और उसके बाद आगे बेंड होना है और अपने सर को हम लोग फ्लोर पे टच करेंगे. आर्म्स को साइड में रिलैक्स. इस पोजीशन में हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे. फील द रिलैक्सेशन इन योर बॉडी, इन योर स्टमक. And slowly come back. इसके बाद next हम लोग करेंगे भवन मुक्तासन, जिसके लिए हम लोग अपनी कमर के बल लेट जाएंगे. इस पोजीशन में आने के बाद हम लोग अपनी एक लेग को फोल्ड करेंगे, अपनी बॉडी के पास लेके आएंगे, उसको फोल्ड करेंगे हैंड्स के साथ और प्रेस करेंगे अपनी बॉडी की तरफ. यहाँ पे अपने फीट को हम लोग स्ट्रेच रखेंगे, अपनी दूसरी लेग को भी हम लोग स्ट्रेच करके रखेंगे, इस तरह से लूज नहीं छोड़ेंगे. यहाँ पे हम लोग होल्ड करेंगे 5 seconds. नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल. अब हम लोग रिपीट करेंगे दूसरी लेग के साथ, उसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके अपनी बॉडी की तरफ को लेके आएंगे. स्ट्रेच योर फीट, स्ट्रेच योर अदर लेग. यहाँ पे हम लोग होल्ड करेंगे अगेन, नॉर्मल ब्रीथिंग. आप लोग फोकस करेंगे अपनी ब्रीदिंग के ऊपर तो यहाँ पे आप लोगों का ब्रीदिंग रेट जो है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, विच इज गुड. रिलैक्स एंड रिलीज. अब हम लोग दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे. इस तरह से फोल्ड किया, दोनों लेग्स को होल्ड करेंगे, अपनी बॉडी की तरफ पुश करेंगे. होल्ड करेंगे 5 seconds. ये हमारी एब्डोमिनल मसल्स को मसाज देता है, जिससे हमारा डाइजेशन सही होता है, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती. अगर यहाँ पे आप लोग कंफर्टेबल हैं तो उसके बाद अपने सर को उठाएंगे, अपने हेड को अपनी नीज के साथ हम लोग टच करेंगे. Relax and release your legs slowly back. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे, आर्म्स बॉडी के साइड में स्ट्रेट ग्राउंड पे. इसके बाद हम लोग अपने दोनों लेग्स को लिफ्ट करेंगे. हम लोग ट्राई करेंगे 30 degree पे होल्ड करने के लिए 5 seconds. 60 degree पे होल्ड करेंगे 5 seconds. एंड देन अगर पॉसिबल है आपसे तो आप लोग 90 degree पे भी होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट रिलैक्स, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल एंड लिफ्ट. लेग्स को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, स्ट्रेच रखेंगे, लूज नहीं छोड़ेंगे. आप चाहें तो दोनों लेग्स को ज्वाइन करके रख सकते हैं, चाहे तो थोड़ा उनके बीच में गैप रख सकते हैं. 30 degree पे होल्ड करेंगे 5 seconds.
Now move it up 60 degree. यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 seconds. नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट इसको हम लोग और लिफ्ट करेंगे 90 डिग्री. अपने फीट को स्ट्रेच रखेंगे. ग्रेट. होल्ड करेंगे यहाँ पे जितने भी देर आपसे पॉसिबल है. 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स. वापस जाएंगे 60 पे. होल्ड करेंगे. नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट. उसको करने से पहले आप लोग 1 सेकेंड 2 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए. डीप ब्रीदिंग कीजिए. इनहेल, पेट को बाहर लेके जाएंगे. एक्सहेल. इनहेल. तो नेक्स्ट है सुप्त मत्स्येन्द्रासन. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लेग को बेंड किया, अपने दूसरे लेग के नी के बाहर की तरफ को रखेंगे इस तरह से. अब मैंने अपने राइट लेग को बेंड करके लेफ्ट नी को क्रॉस करके उसके नी के साइड में रखा. लेफ्ट हैंड से इसको होल्ड करेंगे और इसको हम लोग ग्राउंड पे पुश करेंगे. इस टाइम पे अपनी बॉडी को हम लोग जितना हो सके स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे. अपनी बॉडी को भी इस तरह से हम लोगों को बेंड नहीं करना है. अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे. सिर्फ अपने नी को हम लोग ग्राउंड पे लेके जाएंगे. अपनी कमर को, अपनी बॉडी को जितना हो सके स्ट्रेट रखेंगे. दूसरे हाथ का पोजिशन क्या रहेगा, दूसरा हाथ जो है आपका आपके राइट साइड पे आप लोग स्ट्रेट रखेंगे. और अपने हेड को भी हम लोग इस तरफ को टर्न करेंगे राइट साइड को. यहाँ पे हम लोग होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स. गुड नॉर्मल ब्रीदिंग. इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल एंड एक्सहेल. फील द ट्विस्ट इन योर स्पाइन. इसको करने से अगर पेट में स्वेलिंग है ब्लोटिंग की वजह से तो उसमें बहुत आराम मिलता है. एंड कम बैक. अब इसको हम लोग रिपीट करेंगे दूसरी साइड. राइट लेग को ग्राउंड पे लेके जाएंगे वापस. नेक्स्ट हम लोग अपनी लेफ्ट लेग को उठाएंगे इसी तरह से राइट नी की तरफ रखेंगे क्रॉस करके लेग को. इसके बाद अपने राइट हैंड से नी को होल्ड करेंगे, उसको प्रेस करेंगे ग्राउंड की तरफ. अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को हम लोग फ्लोर पे रखेंगे और हेड को उसकी तरफ को बेंड करेंगे. यहाँ पे हम लोग होल्ड करेंगे. नॉर्मल ब्रीदिंग. इनहेल. एक्सहेल. फील द स्ट्रेच इन योर एब्डोमेन मसल्स. Relax. And then slowly come back. I hope इन आसनास की प्रैक्टिस करके आपको अच्छा फील हुआ हो. तो इन आसनास को आप लोग अपनी डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड कीजिए और जिसके बेनिफिट्स को फील कीजिए अपनी बॉडी में. जिस तरह से आप लोगों का डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा उसको फील कीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन इन द फ्यूचर फॉर अपकमिंग वीडियोज. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी.